ओके तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नैतिक पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ ट्रेक, जिसकी मैं यहाँ पे बहुत दिनों से मैं फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो आज जो है मैं फोर्सेस से रिलेटेड हमारी ये वीडियो होगी, पर मैं आपको यहाँ पे कुछ उसके टेक्निकल चीज़ें बताने वाला हूँ, यानी कि ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड और हमारे फोर्सेस की वेबसाइट से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ टेक्निकल चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, लोगों को ट्रस्ट वॉलेट का सिस्टम समझ नहीं आता, ट्रस्ट वॉलेट का जो उसके बाद जो हमारे फोर्सेस है उसका जो ऊपर मेन्यू होता है वो समझ नहीं आता। बहुत से लोग को तो आईडी लग जाता है, उसके बाद उनको अपना आईडी ओपन करने नहीं आता। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बीच में थोड़ा सा स्किप मत करिएगा, क्योंकि हमारा जो आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसीलिए चलिए हम आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपना ज़्यादा समय ना गवाते हुए ट्रस्ट वॉलेट को अपना ओपन कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो चुका है। आज मैं आपको आईडी लगाने के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आईडी का प्रोसेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन 10-15 मिनट का होता है। तो अगर आपको वैसे आईडी का लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम था मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मैं जल्द से जल्द जो है मैं अगला वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं आईडी का प्रोसेस के बारे में आप लोग को आप मेरा अगला वीडियो हो। तो उसके बाद इसकी आप यहाँ पर जब क्योंकि हम फोर्सेस बीयूएसडी में वर्क कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इथेरियम और ट्रॉन को नहीं रखना है, आपको बीयूएसडी पैक पहले हमारा होता था बीयूएसडी BEP20, पर अब जो है बाइनेंस PEG BUSD हो चुका है, स्मार्ट चेन और BNB, ये तीनों को आपको रखना कंपलसरी है। और बिटकॉइन हमारा ऐसे ही रहता है, आप चाहे उसको हटा भी सकते हैं। हमारा ये बिटकॉइन जो है ऐसे ये हमारा ऐसे रहता है, यहाँ पे आप उसका रेट वेट देख सकते हैं, और क्या अगर आपको बिटकॉइन बाय करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको ये बाइनेंस पैक BUSD स्मार्ट चेन और BNB ये तीनों आपको यहाँ पे जरूर रखना है, क्योंकि इन्हीं तीनों से अगर आप इसको बाइनेंस को BUSD को हटा के अगर आप इथेरियम को ऑन कर लेंगे तो फिर आपका जो आईडी है वो ओपन होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फिर वो इथेरियम में चला जाएगा। पर हम तो यहाँ पे वही वर्क कर रहे हैं BUSD में, इसलिए आपको इथेरियम को यहाँ पे नहीं रखना है। बाकी वो उसके बाद जब आपका वो आप पैसे देंगे यानी कि INR देंगे आपको डॉलर मिलेगा, उसके बाद आपकी अपन जो है वो आपकी आईडी लगा देंगे। पर अगर आपको आईडी के प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द उसके बारे में वीडियो ला के दे दूंगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपका आईडी लग गया, तो उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट का यहाँ पे कुछ प्रोसेस बताएंगे। तो आप ऊपर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे साइड में एक की नोटिफिकेशन का इसको हम साइन बोलेंगे, नोटिफिकेशन का साइन बना हुआ है, और इसको इस साइड में एक टू लाइन उसके ऊपर सर्कल का साइन बना हुआ है। तो इस वाले सर्कल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको बहुत सी करेंसीज दिख जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं बिटकॉइन BNB स्मार्ट चेन इथेरियम XRP बिटकॉइन कैश लाइट कॉइन पॉलीगन फिर हो गया ये पोलगोटेड तेजोस टेलर ट्रॉन कॉस्मोस, यानी कि ऐसे बहुत से आपको वहाँ पे करेंसी दिख जाएंगे। और उसके बाद उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन जो है पहला टोकन फाइनेंस है कलेक्टिबल्स यहाँ पे, यानी कि इसमें तीन है, पर आपको हमेशा यहाँ पे टोकन ही सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि टोकन है ये आपका सारा वर्क होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से पहला है सेंड का ऑप्शन, दूसरा है बाय का ऑप्शन, और तीसरा है आपका यानी कि दूसरा रिसीव का ऑप्शन और तीसरा बाय का। तो पहले हम बात करते हैं सेंड का, तो सेंड के बारे में यानी यार जो हमारा सेंड का ये मतलब है कि आपको मान लीजिए कि आपको किसी को भी डॉलर भेजना है, तो आप जब किसी को भी डॉलर भेजेंगे या फिर स्मार्ट चेन भेजेंगे BNB भेजेंगे कुछ भी भेजेंगे, तो आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी भेजना है आपको उस पर क्लिक करके और फिर जो है मैंने कि अपना आपका जो भी आपको भेजना होगा तो आप जो है वहाँ से भेज सकते हैं। पर यहाँ पे ज़्यादा हमारा जो शॉर्ट प्रोसेस है हम उसके बारे में बात करते हैं, जिसके मान लीजिए कि आपको किसी को BUSD भेजना है, इनकी BUSD सेंड करना है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, क्योंकि यही हमारा BUSD, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 0 BUSD 0 BNB इसीलिए है क्योंकि अभी जो कि मैंने आप एक वॉलेट में आप लोग के सामने शो कर रहा हूँ, ये एक मैंने डिफ़ॉल्ट वॉलेट बनाया था, यानी कि एग्जाम्पल के और से मैंने ये वॉलेट न्यू क्रिएट किया था आप लोग को बताने के लिए।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपको BOG सेंड करना है, तो आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना होगा। और सेंड पे क्लिक करते आपको यहाँ पे एक एड्रेस लिखने को बोलेगा, आपको जिसको भी सेंड करना है उससे आपको एक एड्रेस मंगवाना होगा। मैं आपको बताता हूँ कि वो एड्रेस कौन सा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी से मंगवाना है, यानी कि किसी को आपको डॉलर भेजना है, तो आपको यहाँ रिसीव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी और शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको कॉपी पे क्लिक करके और उसको सेंड कर देना है। फिर वो उसी एड्रेस के आपसे उसी एड्रेस से आपको यानी कि डॉलर वॉलर सेंड कर देगा। तो वो ट्रस्ट वॉलेट के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो फोर्सेज का जो आईडी है उसमें हम लोग को ज़्यादा बात करना है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अब हमारी आईडी कैसे ओपन होती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी आईडी ओपन करते हैं। ओके दोस्तों, जब आप अपनी आपको अगर आईडी ओपन करनी होगी, तो उससे सबसे पहले जो आपको नीचे DApps आपको दिख रहा होगा, यानी कि नीचे DApps का ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा, DApps पे क्लिक कर लेना है। DApps पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको सर्च करने का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको ऊपर पे सर्च करना है forsage.io। हाँ दोस्तों, यानी कि forsage.io आपको ऊपर पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो forsage.io मैंने सर्च कर लिया। उसके बाद आपका जो कीपैड पे टिक का ऑप्शन होता है, डन का ऑप्शन होता है किसी किसी में, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपका जो forsage.io का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको फर्स्ट आपको यहाँ पे बात करना है ये कि ऊपर, क्योंकि ये इथेरियम का साइन बना हुआ है, पर अभी तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं BUSD में, तो हमको वहाँ पे इथेरियम नहीं रखना है। आपको इथेरियम पे क्लिक करके स्मार्ट चेन पे क्लिक कर देना है। तो फिर आपका जो है BUSD वाला ब्लॉकचेन से आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, स्मार्ट चेन से आपका ये। उसके बाद ये आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पे लोडिंग लेने के बाद फोर्सेज देख सकते हैं, #1 ब्लॉकचेन नेटवर्किंग, यानी कि हमारा जो फोर्सेज है वो ब्लॉकचेन का पहला नेटवर्किंग है 100% डिसेंट्रलाइज्ड। तो आपको अपनी आईडी ओपन करनी है, आपको रजिस्टर तो करना नहीं है, इसलिए आपको लॉग इन टू योर अकाउंट पे क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद अभी हम इसमें वर्क कर रहे हैं BUSD में, तो आपको लॉग इन BUSD पे क्लिक करना है। और लॉग इन BUSD पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लोडिंग लेगा लॉग इन BUSD पे क्लिक करने के बाद। उसके बाद जो है आपका आईडी ओपन होने से पहले भी एक स्टेप होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा यहाँ पे लोडिंग हो चुका है। आपका भी लोडिंग होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक लॉगिन का आपको ऑप्शन दिखेगा कि आपका मोबाइल से। उसके बाद आपको एक साइन मैसेज आएगा, तो आपको ये साइन मैसेज में जो नीचे ओके का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर से थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपका आईडी ओपन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं 7811 मेरी आईडी है, 7811 मेरी आईडी। नीचे आपको अपना आईडी दिख जाएगा, फिर आपको वॉलेट का आपको कॉपी एड्रेस दिख जाएगा। माय पार्टनर आपको देख पा रहे होंगे 10, आई हैव अर्न $939 की इनकम मेरी यहाँ पे हो चुकी है 80,000 की। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके स्लॉट है, यानी कि X3, X4, XXX। और सबसे मिनिमम अमाउंट जो यहाँ पे जॉइनिंग होती है वो $18 होती है, वो आप लोग को पता ही है। तो यहाँ पे इसका हाल ही फिलहाल में एक और जो है नया, यानी कि इवेंट आया है फोर्सेज वीडियो मैराथन का, उसके बारे में आप लोग को पता होगा। फिर यहाँ पे इसके एक वीडियो ट्रेनिंग, यानी कि वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हम माई एफिलिएट लिंक देख पा रहे होंगे, इससे आपको मालिक किसी को भी जब ज्वाइन करना है तो आपको इसी लिंक से ज्वाइन करना है। आपको ये वाला लिंक जो है कॉपी कर लेना है, और जिसको भी आपको ज्वाइन करना है उसको व्हाट्सएप पर सेंड कर लेना है। फिर आगे का जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है वो तो आप लोग को पता ही होगा। तो उसके बाद ये था हमारा। उसके बाद यहाँ पे जिसकी आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे कॉर्नर में एक टू लाइन का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है, यानी कि आपका मेन्यू का ऑप्शन है। मेन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत से आपके यहाँ पे ऑप्शन आ गए होंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका मेन का, यानी कि मेन जो इसकी अभी इससे पहले वाला जो हमारा पेज ओपन हुआ था वो। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड में देख सकते हैं पार्टनर है, दूसरा में, तीसरा स्टैटिस्टिक्स, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गोल, उसके बाद इंफॉर्मेशन, फिर सोशल नेटवर्क, फिर करेंसी, उसके बाद लैंग्वेज, और लास्ट में होगा आपका लॉगआउट। तो यहाँ पे मेन तो भी आपने देख लिया। उसके बाद आप यहाँ पे पार्टनर जो है उसमें उसको आप देख सकते हैं, यानी कि आपने जितने भी लोगों को ज्वाइन किया है आप वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे, हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा पार्टनर्स ओपन हो गया था। हम नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना टीम साइज दिख जाएगा, यानी कि ये देखिए पार्टनर इन द स्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो टीम है वो 57 लोगों का अभी तक मेरा टीम बन चुका है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे अपने पार्टनर देख सकते हैं, यहाँ पे पार्टनर के आपका जितना जितना स्लॉट X3, X4, XXX में वो भी देख सकते हैं, उनका इनकम भी देख सकते हैं, और उनका जितने पार्टनर है वो से भी आपसे आप चेक कर सकते हैं।
तो उसके बाद हमें यहाँ पे फिर से आपको मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा ओपन जो हमारा स्टेटिस्टिक्स का है, तो स्टेटिस्टिक्स में आपको जो है आपकी इनकम शो करेगी, यानी कि आपको कहाँ कहाँ से इनकम आई है, कौन से आई डी से आई है, कौन से प्रोग्राम से आई है, कौन से लेवल से आई है, कितनी आई है, किस तारीख को आई है और किस आपके वॉलेट से आई है, ये सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा स्टेटिस्टिक्स में, जिसके आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आईडी नंबर लिखा हुआ है, यानी कि इन आईडी से मेरे को इनकम आया। यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है कि किस प्रोग्राम से मेरे को आया, और उसके बाद आप यहाँ पे लेवल देख पा रहे होंगे, फिर अमाउंट, फिर हैश यानी कि वॉलेट, और उसके बाद डेट यानी कि इस तारीख को आया। तो यहाँ पे ये सब आपको स्टेटिस्टिक्स में दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गोल है, तो आप जब गोल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे जो है इसका, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आप इसका कैलेंडर है। यहाँ पे आपको ये गोल जो है यानी कि आपका जो विजन है वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कम्युनिटी, अकेडमी, न्यूज़ यानी कि इंस्ट्रक्शन, प्रोमो टूल्स, कैलकुलेटर, यानी कि आपको यहाँ पे कैलकुलेटर भी मिल जाएगा, उसका जो टूल्स है वो भी आपको मिल जाएगा, उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको उस पर क्लिक करने के बाद मिल जाएगा, और न्यूज़ यानी कि इसका जो टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, उस पर आपको यहाँ पे जितने भी न्यूज़ आएंगे वो आपको वहाँ पे देख पा रहे होंगे इस न्यूज़ वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे इसका अकेडमी, इसका पहला नंबर ऑप्शन है कि आप कम्युनिटी ऐप्स का यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन के बाद सोशल नेटवर्क का होगा, यानी कि यहाँ से आप इसके कोई भी टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पे जा सकते हैं, फेसबुक के ऑफिशियल चैनल पे जा सकते हैं, ट्विटर के ऑफिशियल चैनल पे जा सकते हैं, और यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे यहाँ पे से आप जा सकते हैं सोशल नेटवर्क वाले ऑप्शन से। उसके बाद यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन देख रहे होंगे, इसमें से पहले USD, फिर यूरो, फिर उसके बाद RUB, फिर UAH, CNY, यानी कि ये सब करेंसी है, जिसकी ऊपर में तो आपको BUSD में ही दिखाएगा, पर नीचे हम लोग तो अभी इंडियन है तो हम लोग को तो INR सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप INR सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपकी इनकम जो है नीचे दस की आप देख पा रहे होंगे INR में भी शो करने लगेगा। तो उसके बाद यहाँ पे यानी कि करेंसी के बाद आप लैंग्वेज का देख सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हिंदी तो है नहीं, तो हम लोग जो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इंग्लिश ही यहाँ पे बेटर रहता है। उसके बाद जिनका जो स्टेट है उसके हिसाब से वो अपना कर ले। और उसके बाद लैंग्वेज के बाद आप देख पा रहे होंगे इसमें लॉग आउट का ऑप्शन है, यानी कि लॉग आउट आपका जो आईडी है यहाँ से आपको लॉग आउट हो जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फिर से जो है एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि पहले हुआ था, यानी कि ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। फिर जब आपको अपनी आईडी ओपन करनी होगी तो आपको दोबारा से जो है ऑटोमेटिक लॉग इन पर क्लिक करना होगा। ऑटोमेटिक लॉग इन पर क्लिक करने का साइन मैसेज को ओके करना होगा, उसके बाद दोबारा से जो है आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आगे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वैसे भी हमारा जो भी मेन्यू था उसके बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया है। तो उसके बाद आज के मैं आप लोगों को कुछ इतना ही बताना चाहता था इसके कुछ जिसकी ट्रस्ट वॉलेट के बारे में और इसके बारे में फोरसर्च के आईडी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारे इसके बारे में पता चल ही गया होगा, इसके मेन्यू के बारे में। पर अगर आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी और वीडियो से रिलेटेड हो या फिर इसी वीडियो से रिलेटेड हो, आपको कोई और जॉइनिंग का प्रोसेस भी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ से मेरे को ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द उसके बारे में वीडियो ला सकूँ और आप लोग की हेल्प कर सकूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे जरूर सेट कीजिएगा, क्योंकि हमारे आने वाली जो नई भी टेक्निकल वीडियोज होगी और फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोज होगी वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए, आप फोर्सेस के रिलेटेड सारी न्यू न्यूज आप पा सके। तो उसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर सेट कीजिएगा, ताकि वो भी ट्रस्ट वाले और फोर्सेस का कुछ जो उनका टेक्निकल चीज़ है वो सब जान सके। तो आज तो अपने हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।